हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग ऑब्वियसली मेरे पीसी पे होने वाला है। हाँ, पीसी मेरा अच्छा खासा था, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा कम चलाने की वजह से उसमें बीप का आवाज आ रहा है, वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो बैक कैमरे से दिखाते हैं हम आपको, बीप का आवाज दे रहा है और कुछ डिस्प्ले भी नहीं दे रहा है। ये रहा मेरा पीसी। पीसी आप देख सकते हैं मेरे पीछे रखा हुआ है। बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या है। अगर पीसी को खोल के साफ करना होता है तो साफ करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये रहा मेरा पीसी, और सीपीयू को ऑन करके चलिए दिखाते हैं हम आपको कि सीपीयू में बीप कैसा आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बीप सा आवाज आ रहा है। और डिस्प्ले भी टीएफटी को ऑन कर देते हैं। टीएफटी ऑन हो गया, लेकिन डिस्प्ले शायद नो सिग्नल देगा। हाँ, नो सिग्नल दे रहा है, देख सकते हैं आप। और अब इसको पीसी को निकाल के देखते हैं। अगर रैम साफ करना हो तो रैम को साफ करते हैं और पीसी के पहले वायर निकाल लेते हैं। पीसी बंद करते हैं। पीसी बंद करने के बाद इसका वायर निकाल के ले चलते हैं बाहर थोड़ा देखने। तो सीपीयू को हमने बंद कर दिया और इसका वायर अनप्लग करते हैं। तो गाइस, पीसी को मैंने बाहर निकाल लिया है और पीसी को करते हैं ओपन। ओपन करके दिखाते हैं कि क्या निकलेगा इसमें। तो गाइस, जब तक मैं पीसी को अपने ओपन करता हूँ, जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करिएगा कि आई होप ये जानकारी आपको कैसे लगी आधे ब्लॉग के थ्रू। और जब तक मैं ओपन करता हूँ आप कर दीजिएगा। तो गाइस, आप ध्यान से ओपन करिएगा और देखिएगा इसमें कहीं पर ज़्यादा मॉइस्चराइज वॉइस्चराइज तो नहीं है। नमी पाने की वजह से भी कुछ फॉल्ट होते हैं। तो आप इसे ओपन करके, ये किसी किसी में फाइबर, हालाँकि मेरा पूरा आयरन बॉडी है इसमें, थोड़ा सा फाइबर दिया हो, तो आप ओपन करके और देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद आप एक ब्रश लेके फिर आप पूरे में सफाई करिएगा। तो गाइस, आपको एक ब्रश लेके पूरे फैन, मदरबोर्ड, आसपास जितनी भी जाले या डस्ट जमे हो, आप ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद क्लीन करने के बाद आप अपना रैम निकालिए। रैम निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। ये जो पिन लगे हुए हैं इसको पीछे से खींच लेना है। पीछे की तरफ खींचने के बाद ये आराम से रिलीज़ हो जाएंगे। तो रिलीज़ होते ही ये एक टप टाइप का आवाज़ आएगा और आपको आराम से इसको निकाल लेना है। हालांकि इसमें ना कुछ टूटने फूटने का डर नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो हम भूल जाएंगे किस तरफ, तो बीच में देख सकते हैं हम छोटा सा खाँचा दिया हुआ है, कट दिया हुआ है। आप उसी को देख के लगा सकते हैं। आप अगर आप पलट के लगाएंगे तो खाँचा दूर हो जाएगा, खाँचे में लगेगा नहीं। आप अगर सीधा लगाएंगे तभी लगेगा। ये मत घबराइए कि हम उल्टा सीधा लगा देंगे रैम निकालने के बाद भूल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको वीडियो बनाने का कोई दिक्कत नहीं है कि आप निकालते समय वीडियो बनाएं, ये खाँचा आपको बता देगा। इसके बाद आप अपने कपड़े में या रेजर की सहायता से इरेज करके लगा सकते हैं, आराम से कर दीजिएगा तो साफ़ हो जाता है अच्छे से। मेरा ये एक बार, और ये मेरा सेकेंड टाइम है जो बीप का आवाज़ आ रहा है, मेरा सेकेंड टाइम। मैंने भी इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया था, बंद मतलब कुछ दिन तक जब मैं रख देता हूँ तब हालांकि ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आप दोनों रैम निकालिए, निकाल के अच्छे से, ज़्यादा तेज़ से भी मत साफ़ करिएगा, थोड़े से हल्के से कपड़े की मदद से आप साफ़ कर दीजिए और साफ़ हो जाता है। बाकी सब अच्छे से ब्रश से क्लीन करने के बाद आप इसे लगा दीजिए, और लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे भी आप कस के थोड़ा प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो ये जो दोनों तरफ हुक लगे हैं, हुक या कुछ भी कह सकते हैं आप अपने हिसाब से, वो दोनों अपने आप इनसेट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने लगा दिया, बाकी जो ऊपर का भी हल्का फुल्का ब्रश से मार दे रहा हूँ, इसका साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऊपर इसका प्लेट हटाया था, इसके प्लेट में भी दिखाता हूँ। ये देखिए डस्ट जमा हुआ है, और ये फाइबर का जहाँ पे सारा बटन और सीडी लगता है, इसको भी साफ़ करके मैं इसको बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक ही आर में, एक भी आर मैंने साफ़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं। रैम बेशक, आप रैम को अच्छे से क्लीन करिए। तो गाइस, मैंने पीसी को लगा दिया है। सारा जो केबल का कनेक्शन था उसको, ये बीजीए का केबल है और ये पावर केबल हो गया, और माउस के कीबोर्ड का भी जोड़ दिया है। और टीएफटी को ऑन कर लेते हैं पहले। टीएफटी ऑन नहीं हो रहा है, कैसे? टीएफटी का ऑन हो गया, लाइट जलने लगा। और सीपीयू को ऑन करते हैं, देख सकते हैं गाइस कि मैंने एक ही बार में साफ किया, लगाया, और इसका बीप का आवाज इस बार नहीं आया।
देखते हैं TFT ऑन होता है कि नहीं। पहले तो TFT चलने देते हैं। TFT का लगता है कनेक्शन हिल गया। ऑन हो गया गाइस। सो गाइस ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, हालांकि ये ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बीप का साउंड आना छोटा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा डस्ट जाते वक्त। अगर आपका एकदम सेफ्टी के अंदर है या जहाँ पे धूल मिट्टी नहीं जाती तो ये बहुत कम इशू होता है, लेकिन अगर ज़्यादा ओपन एरिया में हो या दुकान में ज़्यादातर ऐसा ज़्यादा तो फॉल्ट मिलता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप सिंपली इसको जैसा मैंने बताया निकाल के, रैम ज़्यादा एक तरह इशू रैम में होता है, रैम अगर आप निकाल के अच्छे से साफ़ करके लगा देते हैं तो बीप होना बंद हो जाता है। मेरा ये जैसा बताया मैंने, ये मेरा ये सेकेंड टाइम है, मैंने अच्छे से इसको अगली बार भी इस बार भी साफ़ किया और एक ही राउंड में हो जाता है। आपको हालांकि ये बार बार नहीं निकालना पड़ता। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अवधि ब्लॉग्स को, और ब्लॉग को एंड करते हैं।